Welcome students of class 9th. So today we are going to start off with the new exercise from the chapter linear equations in two variables, that is exercise 4.3. बहुत easy exercise है. इसमें भी आपको जो भी answers निकालने वो सब graph plot करके निकालने याद रखिए. आपको कोई भी question linear equation का algebraically solve नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ एक दो questions हैं जो आपको algebraically solve करने हैं, जिसमें a की value, जैसे एक question आज third number का question आज भी हम करेंगे. लास्ट वीडियो में भी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने के की वैल्यू निकाली थी 4.2 में, लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आपको जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे लीनियर इक्वेशंस के, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करने हैं 9th में. ओके, सो जो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं वो हम लोग इसी चैप्टर में 10th में पढ़ेंगे. तो कि हम लोग कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के 10th में होंगे, जबकि 10th में दोनों तरीके से सॉल्व होगा. ग्राफिकली भी करेंगे और हम उसके बाद फिर एल्जेब्रिकली भी करेंगे. तो लेट्स प्रोसीड विद एक्सरसाइज 4.3. ओके, तो 4.3 में भी हम कुछ नया नहीं जानने वाले हैं. जो है जैसा है वैसा ही गिवन है. बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली. तीन चार क्वेश्चन जो है, यानी 4th, 6th, 7th, 8th, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. बाकी सारे बहुत ईजी क्वेश्चन जो आप करते आ रहे हैं पहले से. तो लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says that you have to draw the graph of each of the following linear equations in two variables. So there are four linear equations given in your textbook in question number 1. What you have to do, that you have to find the solutions and you have to make a graph of it. तो मैं एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, फिर से रिमाइंड करने के लिए कि कैसे करना है. उसके बाद आप लोग बाकी तीन पार्ट खुद अटेम्प्ट करेंगे. तो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट, विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो मैंने आपको फिर से याद दिला देता हूँ, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होगा. इसमें आप एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, तो वैल्यूज जो निकलेंगे, दो मिनिमम तीन पॉइंट्स आप निकालेंगे. तीन पॉइंट निकालने के बाद आप उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो लेट्स मेक अ टेबल एक्स वाई, मुझे तीन वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो लेट्स से वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जीरो रखूँगा. तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 4 implies that y is equal to 4. तो जब x 0 होता है, y कितना आ जाता है मेरा 4. अब when y is equal to 0, तो x plus 0 is equal to 4 implies that x will be 4. तो जब y 0 होता है, ये 4 हो जाता है. ठीक है, अब मुझे सिंपली दिख रहा है दो नंबर को ऐड करके 4 आ रहा है. तो when x is equal to 2, जब x मेरा 2 होगा, तो 2 plus y is equal to 4 implies that y is equal to 4 minus 2 is equal to 2. तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा. अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा. सिमिलरली अगर मैं y को भी रखने की कोशिश करूँगा, तो एक अगर 2 होगा तो दूसरा भी 2 होगा. ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें मेरे को तीन पॉइंट्स मिल गए. अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ प्लॉट करूँगा. ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, मेरे को सिंपली एक एक्सेस बनाना है. ठीक है, ध्यान रखिए ये आप दो कोऑर्डिनेट का नहीं है. आप लोग कितने कोऑर्डिनेट का बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट का बनेगा ये आपका. ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट का आपने बनाया. दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्स डैश, दिस इज योर वाई वाई डैश. लेट्स मार्क द पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. लेट्स गिव देयर नेम्स. ओके, तो देन अगेन -1, -2, -3 और -4, देन 1, 2, 3 और 4. तो ये मैंने मार्केशंस कर दिया. अब मेरे पास इसमें 1 by 1 पॉइंट कटाने. सो लेट्स कंसिडर दिस इज पॉइंट ए बी जो हमने मार्क करा था. लेट्स कंसिडर दिस एज ए बी एंड सी. सो लेट्स स्टार्ट मार्किंग द पॉइंट्स. पॉइंट ए इज 0, 4. मुझे जो पहला पॉइंट मार्क करना है, दैट इज ए 0, 4. तो 0 एक्स एंड वाई इज 4. दिस इज योर पॉइंट ए. Now the B point that I have to mark is 4, 0. That means X 4 and Y will be 0 itself. So, ठीक है? This is your point B. Okay? And you have to mark the point 2, 2 in C. So, 2 and 2. This is 2 and this is 2. ये रहा आपका point C. ठीक है? अब आपको क्या करना है? एक स्केल लेनी है. आप एक स्केल इस पे रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये वाली जो आपकी लाइन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.
ठीक है. सो दिस इज हाउ दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर वन पार्ट बाय पार्ट. एक एक पार्ट आप इसको ऐसे सॉल्व करके रखेंगे. ठीक है. सो कम्प्लीटली मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको सॉल्व करना है. कम्प्लीटली आपको सबसे पहले इस एक टेबल बना के उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है. मिनिमम थ्री वो मैंने निकाली. मैंने मेरे पास टेबल आ गया. नाउ आई हैव कंसिडर दीज एज पॉइंट ए बी एंड सी. और मैंने एक फोर एक्सिस ग्राफ बनाया, यानी फोर क्वाड्रेंट ग्राफ बनाया. और मैंने उसमें क्या करा, जो मेरे तीनों पॉइंट्स थे वो मैंने मार्क करे. और उसके बाद एक स्केल से उनको एक लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया. ध्यान रखिए ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में ही आएंगे. अगर नहीं आ रहे दैट मीन्स देर इज़ अ मिस्टेक. अगर ये तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड टू गो. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है और व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर टू. तो क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है दैट देर इज़ अ इक्वेशन दैट यू हैव टू गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 214 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर. देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं कोई भी एक अगर पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट बना दिया. अब इस पॉइंट से आप कितनी लाइनें बना सकते हैं? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट. आप इस पॉइंट से चाहे जितनी लाइनें क्रॉस करा सकते हैं. ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं कि इसमें से मैं इनफाइनाइट लाइन्स क्रॉस कर सकता हूँ. तो ये जो मेरा पॉइंट है, अगर कोई आपसे पूछे कि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी लाइन पास हो सकती है, तो द आंसर इज अगेन सिंपली इनफाइनाइट, यानी अनगिनत. तो एक पॉइंट से हम अनगिनत पास कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है. ये आपको अब मैं वापस रिमाइंड करा देता हूँ. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. इसमें मेरे से पूछा गया दैट देर इज अ पॉइंट 214. मेरे पर एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जिसमें मुझे एक्स और वाई क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है कि इस पॉइंट से पास होने वाली किसी भी दो लाइन की इक्वेशन बताइए, और इस पॉइंट से और कितनी लाइन पास हो सकती हैं. तो दूसरे वाला जो पार्ट है कि कितनी लाइन पास हो सकती है, उसका तो सिंपली आंसर मेरे पास इनफाइनाइट. ठीक है, बात आती है इसमें से मुझे दो इक्वेशन देनी है जो इसमें से पास हो रही है. कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जनरल इक्वेशन होती है मेरी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो इसमें मैं एक्स की वैल्यू अगर 2 रखूँ, वाई की वैल्यू अगर 14 रखूँ, तो ये 0 हो जाना चाहिए. मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन बना के देनी है. तो बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है. देखिए आपसे दो पूछे गए, मैं सिंपली बता देता हूँ. दोनों को एक्स और वाई यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट को देखिए. ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वो इक्वेशन बना दीजिए. तो यानी एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 16. अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो सही आएगी. तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई. अब दोनों को माइनस करके देखिए, 14 माइनस 2 यानी 12. तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, क्योंकि मैंने वाई में से एक्स को माइनस करा तो 12 आया. वाई को मैंने में से मैंने एक्स को माइनस करता हूँ तो 12 आता है. मेरे पास सिंपली इक्वेशन आ गई. अब अगर आप ये वैल्यूज इन दोनों में से किसी पर भी पुट करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा. ठीक है, कोई मुश्किल है? ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हैं जो इस एक्स और वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री सेज इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो ये भी कुछ कुछ लास्ट एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जैसा है. ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास एक पॉइंट है 34. ये ऐसा पॉइंट है जो कि 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 इस लाइन पे लाई करता है, यानी इस लाइन पे फॉल करता है. तो इस लाइन पर अगर ये पॉइंट पड़ रहा है, मतलब क्या है, अगर आप इसकी एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा. ठीक है, लेट्स डू इट. तो यहाँ पर क्या है, वाई की जगह पर हम 4 रखेंगे, एक्स की जगह पर हम 3 रखेंगे. तो हमारा एक्स यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 3, और वाई निकल के आ रहा है 4, जो वैल्यूज हम इसमें डालने वाले हैं. तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7. ठीक है, 4 थ्री जो 12 इक्वल टू 3 ए प्लस 7. 7 को इधर ले आइए तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 ए. ठीक है, ये कितना आया, 5 इज इक्वल टू 3 ए, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 5/3. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5/3 आया. इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यह हालांकि ये कॉन्स्टेंट ही है. तो इसमें अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास कभी पॉइंट्स भी फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो आपने उसको घबराना नहीं है. आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि यार ये तो पॉइंट में आ रहा है तो अब इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, आपके पास जो भी आंसर आ रहा है वो सही ही होगा. ठीक है, तो इसमें आंसर हमें क्या मिला, ए इक्वल टू 5/3, यानी ये जो ए है ये 5/3 है. तो इस इक्वेशन को मैं फिर से रीराइट कर सकता हूँ, 3y इज इक्वल टू 5/3x प्लस 7. असली इक्वेशन मेरी ये बन के आ जाएगी. ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज
8 एंड फॉर दिस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इन इट इज 5 किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस एक्स एंड द टोटल फेयर एज वाई, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जब भी आप किसी टैक्सी या फिर किसी ऑटो में बैठते हैं, जब भी आप कोई भी एक रेंटेड कोई भी गाड़ी लेते हैं या व्हीकल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी मुंबई या दिल्ली गए होंगे, आपने कभी टैक्सी या ऑटो करा होगा, तो आपने नोटिस करा होगा जैसे ही आप बैठे होंगे वैसे ही उसमें कुछ पहले से ही मीटर में चार्ज होते हैं। उन सब में एक मीटर लगा होता है जो कि वो कैलकुलेट कर होता है कि कितना पैसा हुआ, ठीक है। उसके हिसाब से जब आप उतरते हो उसमें जितना पैसा दिखा रहा होता है आप उतना देते हैं और आपका काम ख़त्म, ठीक है। तो क्या होता है जैसे ही आप बैठते हैं तो उसमें पहले से कुछ रुपए लिखे होते हैं, मतलब जो आपको देना ही देना है। अब आप चाहे 10 कदम बाद उतर जाएँ चाहे 100 कदम बाद उतर जाएँ, मिनिमम उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज बेस फेयर। अब उसके अलावा आप बैठे, मान लीजिए उस पर 30 रुपया लिखा है, आप बैठे 30 रुपया आपको देना ही देना है, चाहे आप वापस उतर जाएँ चले भी नहीं, हायर करना मतलब 30 रुपया आपको देना है, दैट इज़ नोन एज बेस फेयर। अब इसके बाद आप 5 किलोमीटर गए, अब हर किलोमीटर पर उसका रेट फिक्स होता है 12 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर या 10 रुपये किलोमीटर। तो मान लीजिए 10 रुपये अगर किलोमीटर आप उसके आगे 5 किलोमीटर लेके जाएंगे तो 10 × 5 50 रुपीज़ उसमें और ऐड हो जाएंगे, तो 50 + 30 यानी आपका किराया कितना हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। तो एक होता है वेरिएबल जो कि आपके किलोमीटर पर डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर चलेंगे, उस हिसाब से आता है, और एक होता है बेस फेयर। तो बेस फेयर तो आपको शुरुआत में ही लग जाता है, ठीक है। तो इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि जैसे पहला किलोमीटर है वो कितने रुपए जुटता है 8, ठीक है, और सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस है वो जुटती है पर किलोमीटर पे 5 रुपया। तो बोलता है कि डिस्टेंस अगर मान लीजिए मैंने एक्स किलोमीटर ट्रैवल करा है, ठीक है, तो टोटल फेयर, और जो मेरा टोटल फेयर है वो वाई से बताता है, ठीक है, तो बताइए वो कितना आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला जो किलोमीटर है वो 8 रुपये का चढ़ता है, यानी एक कितने रुपये फालतू है, 3 रुपये वो फालतू देता है, तो ठीक है। तो यानी जो सबसे पहला 8 रुपये है ये पहले किलोमीटर के लिए होता है, तो इसमें 5 रुपये क्या है वो तो किलोमीटर का प्राइस, और 3 रुपये क्या है वो बेस फेयर है। तो बेस फेयर हमारा जो हो गया वो कितना निकल के आता है, जो हमें बैठते ही बैठते देना है वो है 3 रुपये देना ही है। अब आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका 5 आपको देना है, जितने किलोमीटर आप चलेंगे 5 देना है। तो ये बोलता है टोटल फेयर मुझे कितना मानना है, वाई है, ठीक है, और डिस्टेंस मैं कितना किलोमीटर चला हूँ, जो मेरी ट्रैवल डिस्टेंस इन किलोमीटर है वो कितनी मुझे माननी है, एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टोटल किराया मेरा कितना होगा, पहले बेस फेयर जोड़ देंगे और इसके बाद आप कितने किलोमीटर चले 5, यानी 5 रुपये 1 किलोमीटर का प्लस की 3 रुपये फालतू, ठीक है, बेस फेयर जो है। तो ये कितना आया, वाई इक्वल टू 3 + 5x, यानी 5x - y + 3 = 0। तो ये आपका क्या आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। अब आप इसको फिर से वही करेंगे, हिट एंड ट्रायल पे ले जाएंगे इसको, फिर से इसकी एक्स और वाई की दो तीन वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, इसकी तीन तीन वैल्यूज़ निकालेंगे और उसके बाद फिर इसके ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ टू बी डन। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी, इसमें सिर्फ ये है जो ट्रिक है वो इसकी इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक है। इक्वेशन एक बार फाइंड हो जाएगी तो मेरे ख्याल से इसमें उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि इसमें बेस फेयर और जो डिस्टेंस ट्रैवल का फेयर होता है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। एक बार आपको वो अगर समझ में आ गया जो मैंने ऊपर समझाया बेस फेयर वाला, तो ये आपको निकालना बहुत पीस ऑफ केक है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो 4.6 वाली आप अपनी फिगर देखिए, ये क्वेश्चन आपको वैसे खुद से करना है। तो 4.6 में जो नीचे आपको फिगर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक लाइन आपको दिखाई गई है और बोला गया है कि ऊपर चार ऑप्शन दिए हैं फॉर फिगर 4.6, 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शन है, इसमें से आपका सही इक्वेशन इसकी कौन सी बैठेगी। तो इसमें से आपको देखिए तीन पॉइंट दिए हुए, तीनों पॉइंट आप वन बाय वन सब में रख के देखिए, जिसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ऐसे ही 4.7 भी है, उसमें जो आपको तीन पॉइंट्स दिए हैं -1, 3, 0, 2 और 2, 0, ये सारी इक्वेशंस में रख के देखिए, तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन पे सेटिस्फाई हो जाएंगी वो आपका उसका सॉल्यूशन यानी उसकी इक्वेशन वो होगी, ठीक है।
तो इसमें अभी आपके पास तीन क्वेश्चन और हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। बिफोर वी प्रोसीड इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई वांट यू टू डू दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चन 6, 7 and 8, आप इनको पढ़िए, इनको समझिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। वैसे तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर करने ही वाला हूँ, लेकिन आप इसको खुद से पढ़ के समझिए, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में दिया क्या गया और पूछा क्या गया। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप करेक्टेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.3।